जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, ये जो संपूर्ण संसार है, ये दो चीजों पर टिका हुआ है। एक है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी है नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम सकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति, दिन रात, काली शक्ति या कुछ पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं कि ये संपूर्ण संसार इसी तरह के बैलेंस में बना हुआ है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे ये संपूर्ण संसार दो बराबर शक्तियों में विभाजित है। अब जब कभी भी व्यक्ति पर किसी भी एक तरह की एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह व्यक्ति अमीरी और गरीबी में तब्दील हो जाता है, मान और अपमान की स्थिति में तब्दील हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के आसपास पॉजिटिव एनर्जियों का संग्रह होने लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अमीर होने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति के जो मान सम्मान में जो है बढ़ोतरी होने लग जाती है, ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता मिलने लग जाती है। अब जिस किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियों का घेरा बनने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर्जे में डूबने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति का हर जगह अपमान होने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति के बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, असफलता में ऐसा व्यक्ति जाने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, संपूर्ण जो संसार है वो आपके आसपास की दो एनर्जीज को लेकर के चलता है। एक है सकारात्मक शक्ति, एक है नकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। जिस किसी भी एनर्जी का आपके आसपास में घेरा बढ़ जाता है, सर्कल बढ़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जिस किसी भी शक्ति का घेरा बड़ा होता है, उस शक्ति के उसमें चला जाता है, उसके आगोश में चला जाता है, और वो व्यक्ति अमीर और गरीब ऐसे दो रूपों में तब्दील हो जाता है। तो यदि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो ये कैसा पता चलेगा? ये इस तरह से पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए आपके कर्जे में बढ़ोतरी होने लग गई है, आपके कामकाज जो है वो बनते बनते बिगड़ने लग गए हैं, किसी भी तरह के कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, हर जगह आपके मान सम्मान में गिरावट आ रही है, घर में कलेश हो रहा है, मन डूबा डूबा रहता है, बेचैन रहता है, कोई कार्य करने का मन नहीं होता है। यदि ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं, तो समझ लीजिए नकारात्मक एनर्जी ने आपको हर तरफ से घेर लिया है। और इसको तोड़ने के लिए जो एक शक्ति का मंत्र जपा जाता है, एक नाम जपा जाता है, वो ओम क्रीम काली के नमः। ओम क्रीम काली के नमः, ये मंत्र इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल है कि ये आपके आसपास की चाहे कितनी ही नकारात्मक शक्तियां हों, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को, उनके संपूर्ण घेरों को ध्वस्त कर देती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि शनिवार के दिन ओम क्रीम काली के नमः इस मंत्र की कम से कम 7 मालाएं करनी चाहिए। ओम क्रीम काली के नमः की शनिवार के दिन कम से कम 7 माला करनी चाहिए, और ये 21 शनिवार तक करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं सारी ध्वस्त हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी, और आपके हर काम बनने लग जाएंगे। और दोस्तों, ऐसे ही इस मंत्र से हमने ये जो ब्रेसलेट है इसको अभिमंत्रित किया है। ओम क्रीम काली के नमः के 10,000 मंत्रों से ये ब्रेसलेट अभिमंत्रित है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस तरह की उलझन में, परेशानी में फंसा है, जिस पर बहुत कर्ज हो चुका है, ऐसा व्यक्ति के जो निराश हो चुका है जीवन से, ऐसा व्यक्ति के जिसके बनते बनते काम रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति के जिसके घर में कलेश रहता है, ऐसा व्यक्ति के जिसके हर जगह मान सम्मान में गिरावट आती है, अपमान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह जो ब्रेसलेट है यह ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। यह ब्रेसलेट धारण करने से उसके आसपास की जो कोई भी नकारात्मक शक्ति है, जिन नकारात्मक शक्तियों ने अपना घेरा उस पर बना रखा है, दबोच रखा है, ऐसी सारी नकारात्मक शक्तियों को ये अकेला ब्रेसलेट दूर करता है और व्यक्ति के हर कार्य में उसको सफल बनाता है, उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है, ग्रह कलेश को दूर करता है, पैसे टके में उसको वृद्धि देता है। ये
ब्रेसलेट आपको हमारे द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसके बारे में यदि कोई भी ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमको फोन करके संपर्क कर सकते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।